देखिए हमारी मुख्य मांग तो ये है कि जो यूजीसी ने 5 मार्च को एक सर्कुलर जारी किया है और वो सर्कुलर इतना घातक है एससी एसटी ओबीसी के टीचर्स के लिए कि उसमें ये कहा गया है कि जो 297 से बनने वाला रोस्टर था 200 पॉइंट रोस्टर अब वो डिपार्टमेंट वाइज बनेगा। यानी कि डिपार्टमेंट वाइज बनने से क्या होगा कि एक या दो जहां डिपार्टमेंट है छोटे डिपार्टमेंट है वहां एससी एसटी ओबीसी का व्यक्ति कभी भी नहीं आ पाएगा। यानी कि अब रोस्टर बनेगा डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर बनने से जो पोस्टें पहले से निर्धारित है जिनके विज्ञापन आ चुके हैं वे सारे की सारी पोस्टें क्या हो जाएंगी आज से अबोलिश हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में भतीजावाद चलेगा? हाँ भाई भतीजावाद तो चलेगा ही चलेगा। इसके अलावा क्या होगा कि वो पोस्टें किसको चली जाएंगी? सामान्य वर्ग के लोगों को चली जाएंगी। यानी कि 3 पोस्ट हुई तो उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, 4 पोस्ट हुई तो 1 ओबीसी का आ जाएगा, 5 पोस्ट हुई तो 1 ओबीसी का ही रहेगा, 6 पोस्ट रही तो 5 पोस्ट जो है जनरल की और 1 ओबीसी की, एससी और एसटी का बिल्कुल भी नील रहेगा। सुमन साहब जैसे कि हमारे जो 4 जजेज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज, उन्होंने कहा था लोकतंत्र खतरे में, तो लोकतंत्र खतरे में मतलब इस तरीके नजर आ रहा है कि लोकतंत्र खतरे में आप लोग यहाँ जिस शिक्षकों को ये बोला जाता कि देश की धरोहर है और देश की उन्नति सबसे ज्यादा ये टीचर एसोसिएशन या टीचर्स करते हैं। देखिए लोकतंत्र तो वो जज सही कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है। खतरे में क्यों है ना? आज जो है मीडिया की सुनी जा रही है, ना व्यवस्थापिका की सुनी जा रही है, ना कार्यपालिका की सुनी जा रही है, आज किसी की भी नहीं सुनी जा रही है। यानी कि लोकतंत्र को कुछ लोगों ने अपने हाथों में ले लिया है और अपने हाथों में लेकर के जो वो चाह रहे हैं जिस तरह से चाह रहे हैं संविधान को जिस तरह से तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करना चाहते हैं उसी तरह से वो प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र जो है उन्होंने एक कठपुतली की तरह से मान लिया है और जिस तरह से वो चाह रहे हैं उसको नचा रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर जो 72 जो सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो बाबा साहब के संविधान के तहत जीत कर आते हैं, उनकी भूमिका क्या है? उनसे अपेक्षा, देखिए सब एक जैसे नहीं है। कुछ सांसद ऐसे हैं जो पार्टी से बाहर जाकर के भी लड़ते हैं, लेकिन कुछ सांसद जो है अपनी पार्टियों से बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए हैं कि वो अपनी पार्टी से बाहर ही नहीं जाना चाहते। जो उनके आका कहते हैं वो अपने आकाओं, क्योंकि अगली बार उनको क्या करना है, फिर टिकट लेना है और लंबे समय तक बने रहना है। यदि वो हम देखिए जीत करके जाते हैं उन रिजर्व सीट से, नहीं सर अभी चाहे सहारनपुर का हो, गोवा सहारनपुर का है, कोरेगांव का जो कांड है, अभी तक किसी भी सांसद ने उस पर कोई पहल नहीं कही, ना चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा लगता है कि उनके मुंह के अंदर दही जमी हुई है कि जब दलितों पर अत्याचार होते हैं बोलते नहीं है, जब वोट मांगना होता है तो मेरे समाज के लोग हैं। हाँ ये बिल्कुल सही सवाल उठाया है। वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि जब तक उनको डायरेक्शन नहीं मिलेगी कहाँ से, अपनी पार्टी के, क्योंकि पार्टी के वे प्रतिबद्ध है, पार्टी ही उन्हें ये कहेगी अब आप वहाँ जाइए, पार्टी ही जो है उनको कहेगी कि जाइए वहाँ जाकर के तुम्हें ये दंगा करना है। तो वो पार्टी जब तक नहीं कहेगी, वो सांसद अपनी उनमें अपनी इतनी वो नहीं है कि समाज का दर्द नहीं है कि यदि वो समाज का दर्द होता कि जैसे ही वहाँ सहारनपुर में, कोरेगांव में या कहीं पर भी किसी तरह की कोई घटना दलितों के साथ होती, वो तुरंत जो है पार्टी से ऊपर उठ करके जो है वहाँ जाते, कम से कम उनके जो है उनके साथ क्या घटना घटित हुई है उनका ब्यौरा ला करके अपने सांसदों को देते, अपने पार्टी के सांसदों को देते। लेकिन सर अभी देखा गया है चाहे लेनिन है या रामास्वामी नायकर जी हैं या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, इनके स्टेचू बड़े पैमाने पर तोड़ी जा रही है, लेकिन कोई भी किसी तरीके से बोल के राजी नहीं है कि भाई इन स्टेचुओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, इन्हें क्यों तोड़ा जा रहा है। देखिए ये हमारे राष्ट्रीय नायकों के प्रतीक है एक तरह से, जितना ये लोग प्रतीकों को तोड़ेंगे उतनी ही जो है हमारे अंदर अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी। देखिए मूर्ति तोड़ने से ये नहीं होता है कि अगर ये मूर्ति तोड़ रहे हैं तो मूर्ति को तोड़ने से अपने अंदर की कुछ इस तरह की भावनाएं निकाल रहे हैं कि इन्होंने समाज के लिए ऐसा किया। बाबा साहब की एक मूर्ति यदि टूटती है तो वहाँ जितने लोग वो तोड़ने वाले होते हैं उससे 10 गुना लोग पैदा भी हो जाते हैं। इसलिए जितना जो है बाबा साहब के खिलाफ ये जहर उगलेंगे हमारे लोग और ज़्यादा अवेयर होते हैं, शिक्षित होते हैं। धन्यवाद सर।